एपिसोड 97 की स्टार्टिंग होती है और लूशी कहती है, वो एक ऐसा बंदा है जो दिमाग से सोचता है ना कि दिल से। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर लियान कहता है, तो क्या तुम्हारा अगला कदम ये है कि उसे कंफ्यूज कर दो और उसको पछतावा कराओ और फिर उसे मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आए। फिर लूशी कहती है, मैं उसे और डराऊंगी जिससे उसे और ज्यादा चिंता होगी। हमें चीजों को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना होगा, तभी उसकी चिंताएं खत्म होगी। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे अपना पूरा दिल लगाना होगा और वहाँ ना तो कोई चिंता और ना ही कोई झिझकपन होना चाहिए। फिर लियान सोचता है, कितनी भयानक औरत है ये, इसकी आइडिया भी जबरदस्त है। ये वो औरत है जिसने प्यार के लिए मिलिट्री आइडिया उसको यूज किया। कुछ पाने के लिए टफ खेलना असल में काफी खतरनाक है। लूशी, तुम सच में एक स्मार्ट लड़की हो, मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा। लूशी कहती है, मुझे अभी भी अपने काम पर आपकी गाइडेंस की जरूरत है, मैं मेहनत करूंगी। फिर लियान कहता है, वैसे क्या तुम 25 तारीख को फ्री हो? कंपनी को एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हें एक रोल देकर, जिससे तुम्हें एक एक्ट करने का चांस मिलेगा। लूशी कहती है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, उस समय तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। थैंक यू लियान, क्या काम है? फिर लियान कहता है, एक प्रोजेक्ट है, क्या तुमने सुना है? पोएट्री एंड द सी। मुझे लगता है तुम उसमें एक फीमेल कैरेक्टर में सूट करोगी। फिर लूशी कहती है, अच्छा वो तो मेरी फ्रेंड ने लिखी है। ये सुन के लियान शॉक हो जाता है और वो कहता है, बाप रे तुम लोग कितने खतरनाक हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शिंग कहती है, मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर स्नैन कहता है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर शिंग कहती है, और स्कूल हॉलीडेज भी बस लगी गए हैं, अब हम दोनों साथ में कुछ दिनों में वापस घर जाएंगे। प्रेसिडेंट कहता है, अच्छा हाँ शिंग, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि मैं जो कहूँगा वो सुनने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगी? फिर शिंग कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर वो सोचती है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। प्रेसिडेंट कहता है, विंटर वेकेशन में मुझे मेरे सीनियर कंपनी में काम करना होगा, जितना पॉसिबल हो मुझे जल्द से जल्द सब कुछ सीखना है। फिर शिंग कहती है, विंटर वेकेशन और काम, पर तुम तो अभी फ्रेशर हो। प्रेसिडेंट कहता है, हाँ वो तो है, पर मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स को और फाउंडेशन को बनाना है। फिशिंग कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि इस साल न्यू ईयर हम साथ में नहीं बनाएंगे? प्रेसिडेंट कहता है, हाँ कह सकते हैं। क्या तुम गुस्सा हो? फिशिंग कहती है, अरे नहीं नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिशिंग सोचती है, जब से हम मिले हैं ये हमारा पहला न्यू ईयर होगा जब हम साथ में नहीं होंगे। इसके बाद रात हो जाती है और सिनहन सिंह को मैसेज कर कहता है, ध्यान से जाना जब तुम वापस अपने भाई के साथ कल घर जाओगी, और घर पहुंच के मुझे कॉल करना। फिशिंग सोचती है, मैं उसे पूरे एक महीने तक के नहीं देख पाऊंगी, वैसे तो वो बहुत बार दूर गया है पर हम किसी न किसी तरह मिल लिया करते थे। इसके बाद वहाँ एलियट आता है और वो कहता है, सिंह क्या तुमने अपना बैकपैक कर लिया है? हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। फिशिंग कहती है, एलियट क्या मुझे वापस जाना चाहिए? फिर एलियट कहता है, तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हारी भी टिकट खरीद ली है, क्या तुम इसलिए रुकना चाहती हो क्योंकि सिनन वापस नहीं जा रहा है? फिशिंग सोचती है, लगता है इसने मेरे अंदर झांक के देखा। फिर एलियट कहता है, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा, मॉम घर पर हमारा इंतजार कर रही है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।